खबर शामिल करेंगे जी सांगर से। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर चौधरी आबिद फारूक की चाय पार्टी सांगर की ईदगाह कचरी आबादी में रखी गई। चाय पार्टी हाजी अपर रंधावा जट की जानिब से रखी गई। चाय पार्टी में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। सईद अहमद मास्टर, एहसान मलिक सलीम, मोहम्मद कजाफी तनोली, जिशान सिंधु जट और इशफाक कुरैशी ने शिरकत की। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चौधरी आबिद फारूक ने कहा कि इलेक्शन का दौर आ रहा है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके और पहले से ज्यादा ताकतवर होकर इलेक्शन लड़ूंगा। आवाम ने पहले भी मेरा साथ दिया और अब भी साथ देंगे। हाजी मोहम्मद अकबर रंधावा जट और कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया गया और कारकुनान को चौधरी आबिद फारूक ने कहा कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें। मजीद आपको बताएंगे, वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क भर की तरह शहीद कारसाज की 16वीं बरसी के मौका पर सांगर में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला की 6 तहसीलों से बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। सांगर, संजोरो, खपरू, जाम नवाज, अली शहदादपुर, चंडू आदम समेत शहरी और देही इलाकों से कारकुनान के अलावा साबिक MNA नवीद जेरो, राणा अब्दुल सत्तार राजपूत, जहांगीर जुनेजो, जाम जहीर समेत बड़ी तादाद में काउंसिलर, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और मंतखब कौंसलरान ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए शहदा कारसाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर अली हसन ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने दिन रात आवाम की खिदमत करके सांगर में सियासी मुकाम हासिल किया। आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे मुल्क से कामयाबी हासिल करेंगे। इसराइल की जानिब से फलस्तीन आवाम पर जुल्म के शदीद अल्फाज में भी मजम्मत करते हैं। फौरी तौर पर फलस्तीन पर मुजाले बंद किए जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सांगर में बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। खिदमत का नाम ही पीपल्स पार्टी है। इस मौका पर बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की और जियो बिलावल भुट्टो के नारे लगाए और वज़ीर आज़म बनेगा बिलावल भुट्टो के भी फलक शगाफ नारे लगाए गए। जिला मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा बस्ती आजवाली गवर्नमेंट हाई स्कूल में उसादसा का एहतजाज क्यों किया गया, मुझे जानते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा N24 न्यूज़ HD अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा एहतजाज के हवाले से। पीरवाला के नवाही इलाका बस्ती आडवाली गवर्नमेंट हाई स्कूल में जहाँ पर उस्ताद कराम ने एहतजाज किया हुआ है, क्यों एहतजाज किया हुआ है, मजीद उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारा एहतजाज जो स्कूलों की निजकारी हो रही है उसके खिलाफ है, क्योंकि निजकारी से जो गरीब लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, निजकारी के बाद उनके उन गरीबों पर फीसों का बोझ बढ़ जाएगा और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ना भी मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और दूसरा, असाज़ा के खिलाफ जो कवानीन बनाए गए हैं, खासतौर पर लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी पेंशन के कवानीन, इनके खिलाफ भी हमारा एहतजाज है। और तीसरी बात, जो हमारे मौजूदा असाज़ा करम जो 2014 से SSCs और AEOs जो बिल्कुल कानून के मुताबिक उनको उस वक्त उनकी भर्ती हुई, उनको ताहाल उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, उनकी गैर मशरूत मुस्तकली के खिलाफ। और आखिरी बात, जो हमारे मौजे असाज़ा कराम जो इस निजकारी और इन कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनको हुकूमत पुरमन एहतजाजी थे, उनको हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी फौरन रिहाई का हमारा मुतालबा है। जब तक हुकूमत वक्त इन कवानीन को वापस नहीं लेती और हमारे असाज़ा मौजे असाज़ा कराम को रिहा नहीं करती, उस वक्त तक हमारा पुरमन एहतजाज हुकूमत वक्त के खिलाफ जारी रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ और भी उस्ताद कराम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये हमारा एहतजाज पुरामन है, जब तक असाज़ा गिरफ्तार असाज़ा को रिहा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये हमारा पुरामन एहतजाज जारी और सारी रहेगा। ये हमारा एहतजाज पुरामन है, एहतजाज का हक हर कौम को हासिल होता है, ये हमारा हक है एहतजाज करना जुल्म के खिलाफ। ये जो लीव इनकैशमेंट और पेंशन के रूल्स बनाए गए हैं, इनके खिलाफ हमारा हक है एहतजाज करना। और ये जो असाज़ा 2014 से लेके 2018 तक भर्ती हुए, ये NTS टेस्ट दे के इम्तिहान पास करके भर्ती हुए हैं, इनको अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। इनकी मुस्तकली तक इंशाल्लाह हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और एक ये जो निजकारी कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों की, इसके क्योंकि गरीब आवाम तक ये हुकूमत दरवाजे तालीम के बंद करना चाहती है। हमारा एहतजाज इसलिए है कि ये दरवाजे
गरीब की तालीम हासिल करने के दरवाजे बंद ना किए जाएं। इसी के साथ जी हमारे साथ और भी उस्ताद अकरम मौजूद हैं मदीद, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनके क्या कहना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम। जी हमारा ये एहतजाज हुकूमत पंजाब की तरफ से जो स्कूलों की नजकारी की जा रही है उस हवाले से है। हमारे कुछ मुतालबात हैं जिनकी पंजाब पर पूरे पंजाब में स्कूल में तदरीसी सरगर्मियों का बाइकाट किया जा रहा है। उनमें सबसे पहले स्कूलों की निजकारी, ठीक है, उसके अलावा लीव इनकैशमेंट का खात्मा, ग्रेजुएटी वगैरह ख़त्म कर रहे हैं, और सबसे जो अहम मुतालबा है, ठीक है ना, 2014 से 2018 तक जितने भी SSC और AU अपॉइंट हुए थे उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। तो हमारे ये मुतालबात इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और सबसे अहम जो टीचर्स गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सब उस्तादों का यही कहना है कि जो हमारे टीचर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उनकी रिहाई तक हम पुरअमन एहतजाज इंशाल्लाह करते रहेंगे, उनको रिहा किया जाए। और दूसरा बात यह है कि जो ज़ालमाना टैक्स लगाए गए हैं, जो किताबें वगैरह ये इशू हैं, उनको भी कम्प्लीट किया जाए, ये कानून वापस लिया जाए। जी अब बात करते चले नौशहरा विरका की, जहां पर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी होने लगे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका में डाकू बेलगाम डकैतियों का सिलसिला जारी। इनको ना कोई पूछने वाला है ना कोई पकड़ने वाला है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। ना कोई घर महफूज, ना कोई मोहल्ला महफूज, और ना कोई कारोबार महफूज, और ना कोई सड़क महफूज। लिहाजा शहरियों की गुजारिश है CPO अयाज सलीम साहब से कि जितनी जल्दी हो सके इन डाकू राज को ख़त्म किया जाए, ताकि शहरी सुकून का सांस ले सकें। ये अभी अभी आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये उसी डकैत गैंग का हिस्सा है जो चोरी करके मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, और अभी इसको CCTV फुटेज की मदद से देखा जा सकता है। और जो भी इसको देखे पुलिस को कॉल करे, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाए। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर आपको देंगे जी सरगोधा से। नुमाइंदा ने N24 न्यूज HT सदराई की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा रहमानपुरा के सियासी और समाजी कारकुन हाजी राणा साजिद दारा राजपूताना वाले और चौधरी ताहिर आयाइन, जिन्होंने कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को वतन वापसी के इस्तकबाल के हवाले से लाहौर मीनार पाकिस्तान रैली निकाली जाएगी। रैली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक होगी। रैली की क्यादत हाजी राणा साजिद चौधरी ताहिर अराई करेंगे। रैली हाजी राणा साजिद और चौधरी ताहिर अराई की क्यादत में 25 ब्लॉक अलजन्नत हाउस चौधरी हामिद हमीद के सेक्रेटरीट पहुंचेगी, और हामिद हमीद की क्यादत में 21 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अजीमुशान इस्तकबाल किया जाएगा। इनका कहना है कि अपने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में जाकर अजीमुशान इस्तकबाल करेंगे। सिलसिला में सरगोधा के IUC से इंशाल्लाह लोग अपने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को राणा साजिद चौधरी ताहिर और चौधरी हामिद हमीद MNA साबिक मामले खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान की क्यादत में हजारों लोग सरगोधा से लाहौर जाएंगे। कोहाट से खबर शामिल करेंगे। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोहाट ने इजाफी किराया लेने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सेक्रेटरी RTA कोहाट मोहम्मद शुएब की निगरानी में सुपरिटेंडेंट RTA जावेद अख्तर ने, नामुल्ला ट्रैफिक इंचार्ज फहीम बंगिश ने, एडिशनल इंचार्ज अरब जान कैमरा पिशावर चौक बनू रोड और जिला भर के अड्डों का विजिट करके आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हो गए। क्रैक डाउन करके दर्जनों गाड़ियों और ड्राइवर्स को ज्यादा किराया वसूल करने पर जुर्माना आयद किया गया। मौका पर मुसाफरों को इजाफी किराया वापस कराया गया। सुपरिटेंडेंट RTA जावेद अख्तर ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की सूरत में आवाम को हर सूरत रिलीफ पहुंचाया जाएगा। किसी को इजाफी किराया वसूल करने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त जिला कोहाट समेत DVN की आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। रुक करते हैं जी जिला राजनपुर का। असमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक उसाथा की एहतजाजी रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 राजनपुर से शुरू हुई, और ये एक्सचेंज रोड से होती हुई खत्म नबूवत चौक और खत्म नबूवत चौक से ये कचहरी चौक में इख्तिताम पसीर हुई। एहतजाजी रैली का मकसद गवर्नमेंट स्कूलों की निजकारी और लीव इनकैशमेंट का काला कानून और इस उसाथा की पेंशन में तब्दीली के खिलाफ अपने हक की आवाज बुलंद करना था।
खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। हमारे नुमाइंदा राजा आमिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, कारकुनान का जोश वलवला भी बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून के नौजवान कारकुन और काउंसलर चौसी साकिब अफजाल ने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्क के लिए खुशाइंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की का दूसरा नाम मियां नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ ने हमें शिया मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम किए, इसी वजह से मुल्क में सड़कों के जाल बिछे और मोटरवे बने। चौसी साकिब अफजाल ने मजीद कहा कि खड़ी शरीफ से तमाम नौजवान कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाने को तैयार हैं। तोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करेंगे। सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तोबा टैक्सिंग सैयद करार हुसैन की जानिब से पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुनने और इनके हल करने के हवाले से पुलिस लाइन तोबा टैक्सिंग में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में जिला भर के DSP STPOs और SHOs तफ्तीशी अफसरान ट्रैफिक पुलिस एलिट फोर्स और जिला पुलिस मुलाजमीन और लेडीज पुलिस ने शिरकत की। इस मौके पर DPO तोबा सैयद करार हुसैन का कहना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये ओहदा और वर्दी हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी आप सबसे एक डिमांड है कि आप फर्ज और ड्यूटी को अहसन तरीके से सर अंजाम दें, मेरिट पर और फर्ज शनासी के साथ काम करें। किसी साल के साथ ना इंसाफी ना की जाए। महकमा में खुश सलूबी और मेरिट पर काम करने वाले मेरे करीब होंगे और इनकी हमेशा हौसला अफजाई भी करूंगा। मजीद कहा, साहलीन और थाने में आने वाले अफराद के साथ अपना रवैया शायस्ता रखें। आम आवाम और पुलिस के मबैन अपना इखलाक रवैया और इंसाफ की बदौलत फासलों को कम करें। पुलिस दफ्तर और थाना जात को आवाम के लिए रिलीफ सेंटर बना दें। इन्होंने मजीद कहा कि मैं फोर्स की फलाह के लिए हमेशा कोशा रहता हूँ। आप सबके लिए तमाम तर बुनियादी की फ्राहमी को यकीनी बनाऊंगा। अगर किसी पुलिस मुलाजिम को कोई भी इंफरादी या इज्तिमाई मसला हो तो वो बिला झिझक मुझे बता सकता है और मेरी कोशिश होगी कि उनको बर वक्त हल करूं। खबर शामिल करते हैं कुहाड़ से। सारे अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुहाड़ डॉक्टर मुदला वजीर की जेर सदारत जनरल इलेक्शन के सिलसिला में इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुहाड़ फरहान खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शहरयार कमर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी RTA, TMAs और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी, हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरों की तंसीब, दीगर इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुहाड़ डॉक्टर मुदला वजीर ने तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत जारी कर दी कि जनरल इलेक्शन के हवाले से अपने फ़राइज़ तनदेही से अदा करें। तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी ताउन का मुजाहरा करें ताकि इलेक्शन और शफाफ बाज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। अब आपको लिए चलते हैं सियालकोट से, जहां पर राना महमूद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर वतन वापसी की तैयारियों के सिलसिला में यूनियन काउंसिल सईदा माली के गांव रायपुर में साबिक MNA चौधरी अरमगान सुबहानी, साबिक MPA जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी तारिक सुबहानी ने वर्कर कन्वेंशन से खसूसी खिताब किया है। कहा कि मियां नवाज शरीफ एक एटमी ताकत रखने वाले लीडर हैं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हर आदमी खुशहाल होगा। इस मौके पर बैरिस्टर चौधरी जमील सुबहानी, साबिक चेयरमैन चौधरी लतीफ गुजर, साबिक चेयरमैन चौधरी इरफान आरो के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जी गुजरात से। ब्यूरो चीफ चौधरी रफीक कुंदवाना गुजर मकियाना की रिपोर्ट के मुताबिक कोऑर्डिनेटर यूथ मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट गुजरात उम्मीदवार सूबाई असेंबली PP 30 चौधरी अली वराज की अपने साथियों चौधरी इस्माइल वराज, चौधरी अहसन असकर मकियाना, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट गुजरात चौधरी यासिर वराज और चौधरी इब्राहिम वराज के हमरा गाँव मकियाना में चौधरी शुजा मेहर मकियाना सदर MSF डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जानिब से 21 अक्टूबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिला में मुनाकिदा कन्वेंशन में शिरकत की गयी।